चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सपोजिंग कहेंगे क्वेश्चन ऐसा है, थ्री कॉपर बार्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बट लेंथ इन रेशियो 3 कॉपर बार्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बट लेंथ इन रेशियो 1:2:3 आर जॉइंड एट वन एंड The free ends are maintained at temperatures of 100 degree centigrade, 120 degree centigrade and 180 degree centigrade. Find temperature of junction. थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तीन सिमिलर बार हैं, तीनों बार ऐसे हैं, एक का लेंथ L है, दूसरे का लेंथ 2L है, तीसरे का लेंथ 3L है, ऐसे करके तीन बार को हम लिए हैं, ठीक है, ऐसे करके हम लोग तीन बार को लिए हैं, ये 2L है, L को छोटा कर दो, प्रोपोर्शनेटली आ जाएगा, ये लेंथ L है, ये 2L है, ये 3L है, और ऐसा है, तीन सिमिलर कॉपर बार को जोड़ा गया है, और क्या दिया गया है, कि उनका टेम्परेचर कैसे रखा गया है, ये एंड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, इस एंड को 120 डिग्री सेंटीग्रेड में, इस एंड को 180 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन करके रखें। पूछा है बताओ टेम्परेचर क्या है जंक्शन का, पूछा है यहां का टेम्परेचर है कितना, ओहो बड़ा खतरनाक खूंखार दिख रहा है, ठीक है हमें यहां का टेम्परेचर पता करना है। अब ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर में है, ये सबसे कम टेम्परेचर में है, तो ये टेम्परेचर कभी भी 100 से कम नहीं होगा या फिर 180 से ज्यादा नहीं होगा, इन दोनों के बीच में तो होगा ही होगा। अब 120 से ऊपर होगा कि नीचे होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन 100 और 180 के बीच में रहेगा ही रहेगा, देयर इज नो सेकंड थॉट, ठीक है। अब ये हायर टेम्परेचर में है तो हो सकता है कि यहां से कुछ करंट फ्लो करके आ रहा होगा, हीट फ्लो कर रहा होगा, हीट मस्ट बी फ्लोइंग लाइक दिस, थर्मल करंट इज आई थ्री, ये पहला बार था, इसको नाम देते हैं आई वन, इसको नाम देते हैं आई थ्री थर्ड। अब यहां पर ये टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा होगा तो करंट थर्मल करंट ऐसे होगा, अगर ये टेम्परेचर इससे कम होगा थर्मल करंट ऐसे होगा, हमें तो मालूम नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ भी ले लो, सपोज ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी मर्जी से ले लो, ठीक है अपनी मर्जी से ले लो, वैल्यू निकालेंगे, अगर I2 का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे उल्टा है, लेकिन I2 का वैल्यू तो नहीं पूछा है, यहां का जंक्शन टेम्परेचर पूछा है। सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भैया, ये बार में कुछ करंट फ्लो कर रहे हैं, कौन सा करंट, थर्मल करंट, रेट ऑफ हीट फ्लो हियर इन द फर्स्ट बार इज I1, थर्ड बार इज I3, सेकंड बार इज I2। क्या आप में से है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा I1 I2 I3 में क्या रिलेशन है, कोई बताएगा क्या? सर हाँ, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सॉरी गलत है, यस दैट इज करेक्ट। अरे इधर से आ रहा है दोनों में इधर से जा रहा है, सो हम क्या कहेंगे, हियर I1 इज इक्वल टू
I2 plus I3। लेकिन ये I1 है कितना? I1 is, हम जानते हैं फॉर्मूला, K A by L into delta theta, K A by L, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों का A बराबर है, इनटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब थीटा 0 माइनस 100। ये हो गया क्या I1, दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I2 कितना है? जो थर्मल करंट इधर आ रहा है, क्या फॉर्मूला है? के ए बाय 12, लेंथ 12 है, और डेल्टा थीटा कितना है यहां पर? 120 माइनस थीटा। हाँ, समझ में आया। I3 प्लस ये कितना है थर्मल करंट? I3 के ए बाय 3L। देखो, जो लोग पढ़ के नहीं आए होंगे उनको तकलीफ हो रहा होगा, के बाय 3L। कोई बताएगा यहां पर क्या लिखना है? व्हाट आई टू राइट हियर? यहां पर थर्मल करंट होने हो गया। देखो तो दिस इज इक्वल दिस प्लस दिस, क्या हम इसको सॉल्व करके थीटा जीरो का वैल्यू नहीं निकाल सकते? के बाय एल कैंसिल हो गया, रह गया सॉल्यूशन के लिए, तो क्या मिलेगा? देखो तो इट इज कमिंग थीटा 0 माइनस 100 इज इक्वल टू 120 माइनस थीटा 0 बाय 2 इज इक्वल टू प्लस 180 माइनस थीटा 0 बाय 3 है कि नहीं? मैं आगे की चीज क्यों निकालूं? इसमें से आपको थीटा 0 जंक्शन टेम्परेचर पता चल जाएगा, ठीक है ना? उतना पेपर में छोड़ सकता हूं, टू सेव आवर टाइम एंड वीडियो डाटा, इतना निकलने के बाद सारा थीटा 0 को एक तरफ करो और थीटा 0 निकालो, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है? इसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, आपको वो चीज समझना है और करना है और याद भी रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सिमिलर बार्स, 3 सिमिलर बार्स आर जॉइंड एज सून, फाइंड जंक्शन टेम्परेचर। क्या दिया है? 3 सिमिलर बार को ज्वाइन कर दिया गया है। सिमिलर बार है मतलब तीनों सेम मटेरियल का है, सेम लेंथ के हैं, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, और यहाँ का टेम्परेचर थीटा 1 है, यहाँ का टेम्परेचर थीटा 2 है, यहाँ का टेम्परेचर थीटा 3 है, जंक्शन टेम्परेचर थीटा 0 पता करना है। क्या है कोई पहलवान इसको निकालने की कोशिश करेगा? कोई भी चैलेंज को अगर आप एडवेंचरसली लेते हो तो आप कंप्लीट करो या ना करो, मजा तो आता है, क्योंकि गब्बर्स लॉ तो आप लोग जानते हो, जो डर गया सो मर गया, डर के आगे क्या है? डर के आगे क्या है? जीत है। तो सोचो, सिमिलर बार्स के ए एन सब कुछ बराबर, कौन हाई टेम्परेचर कौन लो टेम्परेचर कुछ तो दिया नहीं, मर्जी से अपना मर्जी से कुछ ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज आई से करंट हियर इज I1, हियर इज I2 एंड सपोज I3। सर आप ऐसे अपनी मर्जी से कैसे ले सकते हो? अरे ले लो भैया, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज। अगर हम थीटा 0 का वैल्यू निकालेंगे और निकलेगा 120 के जगह, मतलब इसका वैल्यू सपोज 130 निकल गया, तो देखो कि करंट उल्टा हो जाएगा, एंड दैट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन हायर टेम्परेचर है कौन लोअर टेम्परेचर है। यहाँ पर भी सपोज आप यहाँ का करंट को ऐसे, यहाँ का ऐसे ले लोगे, तब भी होगा, क्योंकि एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर, मेंस के अंदर सब कुछ एडजस्ट हो जाता है प्लस माइनस होके। अगर हम करंट को ऐसे लिए होते तो ये I2 वाला चीज इधर नहीं इधर होता, फिर तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता, तो इसलिए डोंट बदल। अपनी मन से कुछ 3 करंट ले लो, थर्मल करंट I1 I2 I3 θ1 θ2 θ3 θ4 yes 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 yes। हम लोग इधर बातें बना रहे हैं, उधर कोई आंसर बना रहा है। देखो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कहेंगे कि हियर हियर
I3 must be equal to I1 plus I2, और I3 क्या हो गया देखो तो I3 हो गया थीटा 0 माइनस थीटा 3 इनटू KA बाई L इज इक्वल टू I1, I1 कितना हो गया थीटा 1 माइनस थीटा 0 इनटू KA बाई L प्लस I2 कितना हो गया थीटा 2 माइनस थीटा 0 इनटू KA बाई L। अरे ये KA बाई L तो बराबर लगा है दोनों तरफ, जब आग दोनों तरफ लगता है तुरंत ओम मिट जाता है ना, तो क्या बन गया थीटा 0 माइनस थीटा 3 थीटा 1 माइनस थीटा 0 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 0, सिंपलीफाई करो मिलेगा थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 होल डिवाइडेड बाय 3। अब इसको करने के बहाने हमें ये याद रखना है, इफ देयर आर 3 सिमिलर बार्स, सिमिलर बार्स सेम मटेरियल सेम डायमेंशन, तब जंक्शन टेंपरेचर इज दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 3। अब इफ देयर आर 4 सिमिलर बार्स जंक्शन टेंपरेचर इज दिस प्लस दिस, सारे का एंड टेंपरेचर को जोड़ो 4 से डिवाइड करो, ये बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये आया था एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, 300 टेंपरेचर दे दिया था, ये 100 है, ये 120 है, 160 है, बताओ यहां का टेंपरेचर, जिनको मालूम नहीं है वो निकालेंगे, जिनको मालूम है 100 प्लस 120 प्लस 160 होल डिवाइड बाय 3, काम बन गया उनका, समझ में आ रहा है क्या। तो ध्यान रहे कि बास मस्ट बी सिमिलर, तब जाके ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो ये हमारा जो कन्वेंशनल तरीका अवेलेबल है। क्या ये चीज में सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस सर। ओके सर। ओके ओके। तो फिर अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, इसको बताओ इन फिगर्स होल ऑल बार्स आर सिमिलर, तो यहां पर ऐसे 4 बार लगे हैं, आपकी जानकारी के लिए 4 बार लगे हैं, ऐसा लगाए ऐसा लगाए, ऑल बार्स आर सिमिलर, ये ओ है पॉइंट, ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, 4 सिमिलर बार है, चारों का टेम्परेचर आपको दिया गया है, कितना ये हो गया है से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये दिया गया है कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा ये दिया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर दिया है 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चारों पॉइंट का टेम्परेचर दिया है, पूछा है इन व्हिच बार देयर इज नो हीट फ्लो, कौन सा बार में हीट फ्लो नहीं कर रहा है, एओ बीओ सीओ डीओ, दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है, कोई बोल रहा है एओ डीओ, कोई बोल रहा है डीओ, सो आंसर ऑप्शन दिया गया है एओ बीओ सीओ और डीओ, कौन सा बार, कोई बोल रहा है एओ, एओ एओ बोल रहा है, कोई कोई एओ बोल रहा है, कोई बीओ सीओ डीओ, जीओ मेरे लाल करो, काफी लोग तो नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो लोग, क्या कुछ है, देयर आर 4 सिमिलर बार्स दे आर जॉइंट लाइक दिस, कौन से बार में हीट फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज नो हीट फ्लो इन व्हिच बार, इन व्हिच बार देयर इज नो हीट फ्लो, तो क्या देखेंगे यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं, हियर थीटा एट ओ, ओ में जो थीटा होगा वो कितना होगा भाई, सारे को जोड़ो 50 प्लस 55
प्लस 35 प्लस 60 होल डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, कितने ठो बार था, 4 बार। जैसे हुआ यहां पर ऐसा फार्मूला कब लग जाता है, फिर ऑल बार्स आर सिमिलर, है ना। अच्छा तो ये वैल्यू कितना हुआ, दिस इज कमिंग आउट टू बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे यहां का टेंपरेचर 50 हो गया। व्हेनेवर देयर इज अ टेंपरेचर डिफरेंस देयर इज अ पोटेंशियल ग्रेडिएंट, हीट विल फ्लो। ये 55 ये 50 हीट फ्लो करेगा, ये 50 ये 35 हीट फ्लो करेगा, ये 50 एंड ये 60 हीट फ्लो करेगा, ये 50 ये 50 नो हीट विल फ्लो। समझ में आया क्या, नो हीट विल फ्लो, ठीक है, नो हीट विल फ्लो थ्रू दिस बार। तो हम क्या कहेंगे, आंसर आ गया इज टेंपरेचर डिफरेंस अक्रॉस AO इज जीरो, नो हीट फ्लोज, कोई हीट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या, ठीक है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं ये देखने के लिए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हियर आर थ्री सिमिलर बार्स जिसको आप आसानी से बना सकते हो। ये तीन बार है, ऐसे थ्री सिमिलर बार्स आर जॉइंट, ये टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड और ये दे दिया है सपोज समथिंग लाइक 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या पूछा, ये पॉइंट है ओ, ये ए बी सी, थ्री सिमिलर बार्स मेंशन कर दिया है आर जॉइंट सोन फाइंड इन व्हिच बार थर्मल करेंट इज मैक्सिमम, कौन से बार में थर्मल करेंट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। सर एओ, एओ देख लो, एओ देख लेते हैं, एओ एओ एओ, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, अब इसमें पहले हमें पता चल गया थीटा एट ओ, थीटा एट ओ इज नथिंग बट 30 प्लस 45 प्लस 55 होल डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि बार्स आर सिमिलर। तो ये हो गया 55 प्लस 5 60 40 130 बाय 3 130 बाय 3 हो गया, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे 42.5 पे चला 42.33 नहीं 40 हो गया, 120 हो गया, 43.33। अब कुछ, अब ये 43.33 है, 10 टेम्परेचर डिफरेंस इसमें कितना होगा, 30 और 43.33 13.33, इसमें 6.66, इसमें 1.66। सो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस इज मैक्सिमम across AO, so thermal current is maximum in AO, ठीक है। मिनिमम किस में है, सबसे कम किस में है, थर्मल करेंट इज मिनिमम BO में, OB में सबसे कम है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग डरना मत, ठीक है। अब एक नया वैरायटी की क्वेश्चन देखेंगे,
क्या ये चीजें जो सिमिलर बार है ध्यान रखना, कंडीशन सप्लाई सिमिलर बार होना चाहिए, तब हम इसे से जोड़ के 1/3 कर लेंगे। 3 है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, 6 तो बार लगा है तो डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 6 कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या होता है। ये यहां पर दो वाल है, टू वॉल्स आर इन कंटैक्ट विथ ईच अदर, देयर थिकनेस इज आर गिवन D1 एंड D2। वाल है, दीवार है, ये एक वाल है। मान लो किसी घर को आप गर्मी से बचाने के लिए दो किस्म की वाल लिए हो, इस किस्म का वाल का कवरिंग है थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, ठीक है, ठीक है। अब K1, K2, D1, D2 ऐसे दिया हुआ है, ये वाल का थिकनेस D1 है, ये वाल का थिकनेस D2 है, एक वाल ऐसा है एक वाल ऐसा है, यहाँ पर कोई एक टेम्परेचर थीटा वन है, यहाँ पर कोई एक टेम्परेचर थीटा टू, ठीक है ना। यहाँ पर घर का अंदर है, इनसाइड द हाउस दिस इज ए टेम्परेचर थीटा वन, ये आउटसाइड द हाउस धूप गिर रहा है टेम्परेचर थीटा टू। नाउ क्वेश्चन क्या है, इन फिगर शो द वॉल्स आर इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब ये है कि अगर इन दोनों को वाल को निकाल के मैं दो दो किस्म के मटेरियल क्यों लगाएंगे, एक ऐसा मटेरियल ले लेंगे, उस मटेरियल का अगर इतना मोटा वाल बना देते हैं, कितना मोटा वाल D1 + D2, तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए ताकि यहां पर टेम्परेचर थीटा 1 होगा, अगर यहां का टेम्परेचर थीटा 2 है तो यहां पर टेम्परेचर थीटा 2 होने से यहां पर थीटा 1 होता था, और थीटा 1 थीटा 2 देने से जो भी हीट फ्लो हो रहा है इस केस में भी वही होगा। ये दो वाल मान लो एक प्लाई लगा है एक एल्युमिनियम लगा है, दोनों को निकाल के कोई एक अलॉय लगा देंगे ताकि ये इन दोनों का अकेले वो काम कर लेगा, तो उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। टू फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, मान लो एक मीडियम एक मीडियम, दो मीडियम को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पता करना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे पता करेंगे, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है हीट फ्लो इसके अंदर से, क्या होगा इसका टेम्परेचर इसके अंदर से, यहां का टेम्परेचर क्या होगा, थीटा जीरो होगा तो थीटा जीरो कितना है वो पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर से जितना हीट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से भी उतने ही रेट में हीट फ्लो करेगा, यहां पर जिस रेट में हीट फ्लो कर रहा है यहां पर भी उसी रेट में हीट फ्लो करेगा, तो हम कहेंगे दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। याद करो हम लोग क्या पढ़े थे, थर्मल कंडक्टेंस क्या था, KA/L, थर्मल रेजिस्टेंस वाज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस L/AK बताए थे, तो इसका भी कुछ थर्मल रेजिस्टेंस है, इट इज अपोजिंग टू फ्लो ऑफ हीट थ्रू इट, इसका भी कुछ थर्मल रेजिस्टेंस है, ये दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस मिलजुल के जितना हो रहा है इसका अकेला थर्मल रेजिस्टेंस उतना ही होना चाहिए। तो हम कहेंगे इन द फर्स्ट केस थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, जो हीट फ्लो कर रहा है कहां से, थीटा वन वाला जोन से थीटा टू वाला जोन पे, जो हीट यहां पे फ्लो कर रहा है उस हीट को थर्मल रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, अरे हीट ऐसे फ्लो कर रहा है थर्मल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, ये कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है, ये कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है, एंड दे आर इन सीरीज, तो हम क्या कहेंगे,
in first case are equivalent, क्या हो जाएगा इन गिवन केस लिखते हैं, इन गिवन केस आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वॉल प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वॉल बिकॉज दे आर इन सीरीज। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जब थर्मल करंट फ्लो कर रहा है, इट इज गेटिंग सम रेजिस्टेंस, सम अपोजिशन टू फ्लो हियर, सम अपोजिशन टू हियर, एंड व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज यू ऐड देम। मैं बताया था दीज आर ऑल एनालॉगस थिंग्स इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आर वन प्लस आर टू। जब ये थर्मल करंट इधर से घुसेगा, क्या रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, टोटल रेजिस्टेंस, यहां तक मिल गया आर वन, यहां तक मिलेगा आर टू, टोटल रेजिस्टेंस मिला आर वन प्लस आर टू व्हिच वाज अपोजिंग द रेट ऑफ हीट फ्लो। तो अगर ये बात है तो चलिए सबका वैल्यू डालते हैं। अगर ये उसका इक्विवेलेंट है, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, एल बाई ए के, यहां पर एल कितना है, करंट को कितना दूर जाना पड़ रहा है, डी वन प्लस डी टू, सो डी वन प्लस डी टू बाय ए के इक्विवेलेंट। सर ए तो दिया नहीं, कुछ भी हो सकता है, मान लो ये वॉल का एरिया ए, इसका भी ए क्योंकि दोनों कॉन्टेक्ट में, तो इसका भी ए ही होगा, ठीक है। डी वन प्लस डी टू बाय ए के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन, कितना होगा रेजिस्टेंस ऑफ दिस वॉल, इट इज डी वन बाय ए के वन, डी टू बाय ए के टू। तो ए तो गया दोनों तरफ से, हमें के इक्विवेलेंट पता करना था। चलो थोड़ा इसको सिंपलीफाई करते हैं, d1 प्लस d2 बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 d1, नहीं k1 d1, k1 d1 प्लस k2 d1, थोड़ा इसको ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू di बाय ki का समेशन d1 by k1 plus d2 by k2। तो k equivalent क्या हो गया, देखो तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, it is d1 plus d2 by summation of di by ki, मतलब d1 by k1 plus d2 by k2 plus d3 by k3 जो भी होगा, जिसको थोड़ा और भी टिपिकल फॉर्म में लिखोगे तो summation of di by summation of di by ki, ठीक है, di by ki। हमारा केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस वैल्यू डाल दो। इन आवर केस के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ di, मतलब सारे d1 d2 d3 को जोड़ो, d1 plus d2 by di by ki means d1 by k1 plus d2 by k2, ये हो गया इक्विवेलेंट k, ये हो गया आंसर इन आवर केस। बट ये हो गया जनरलाइज्ड फॉर्मूला, अगर हम दो वाल के जगह तीन वाल होते तो हम कुछ ऐसे करते, छह वाल होते कुछ यही फॉर्मूला लगाते। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, क्या मालूम, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। कंजूस लोग बोलने के लिए भी कंजूस ही करते हो यार, मेरे को कैसे पता चलेगा तुम लोगों को समझ में, तो आई एम नॉट एबल टू सी योर फेस, सो यू मस्ट से समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट के निकालने का तरीका हुआ समेशन ऑफ डीआई बाय समेशन ऑफ डीआई बाय केआई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं करने के लिए कितना समय लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पॉन्ड वाटर इज एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देखना, ध्यान देना, वाटर ऑलरेडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोल्ड कंट्री है, कोल्ड कंट्री है, ठीक है। दी
surrounding air temperature, surrounding air temperature is minus theta degree centigrade. In a pond, water is at temperature 0 degree centigrade. Surrounding temperature is minus theta degree centigrade. Heat is supplied to the pond from earth, from base, at a rate q joules or q zero watt per unit area of base, ठीक है. Simultaneously, water loses heat to surrounding and gradually freezes. If thermal conductivity of given thermal conductivity of ice is K, find maximum thickness of ice formed. ध्यान से देखना क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं. कोई एक पॉन्ड है, ठीक है, क्या एरिया है मालूम नहीं है, लेकिन बेस में से उसके अंदर हीट फ्लो हो रहा है, क्योंकि आग के अंदर तो टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो हीट फ्लो हो रहा है. और इसमें पानी है पॉन्ड में, दिस इज व्हाट इज द पॉन्ड, और पॉन्ड में पानी है. अब ये पॉन्ड में जो पानी है, ये पानी क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑब्वियसली ठंडा हो रहा होगा. ठंडा होगा तो ऑलरेडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग. ये फ्रीज करना शुरू कर रहा है, आइस बनना शुरू कर रहा है. पूछा है बताओ, ये अगर माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड में है तो बताओ व्हाट विल बी द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ आइस, कितना आइस बनेगा, हीट कैसे फ्लो हो रहा है, क्यू वाट पर मीटर स्क्वायर, क्यू वाट पर मीटर स्क्वायर. क्या लिखा है, हीट इज सप्लाइड फ्रॉम द बेस ऑफ द पॉन्ड टू द पॉन्ड फ्रॉम बेस एट रेट ऑफ क्यू जीरो वाट पर यूनिट एरिया, मतलब क्यू जीरो वाट पर मीटर स्क्वायर हीट फ्लो हो रहा है. क्यू जीरो जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाइड फ्रॉम अर्थ टू वाटर पर सेकेंड ओवर एवरी स्क्वायर मीटर एरिया. क्यू जीरो जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाइड फ्रॉम द अर्थ टू वाटर एवरी सेकेंड ओवर एवरी वन मीटर स्क्वायर एरिया, तो क्यू जीरो वाट्स पर मीटर स्क्वायर. हाँ, तो क्या होगा कि इधर ज्यादा ठंडा है तो हीट भाग रहा है, यहां से हीट भाग रहा है तो आइस फॉर्मेशन होगा. क्या आप पहले गेस करके बता सकते हो कि आइस किधर से बनेगा, नीचे से बनेगा कि ऊपर से बनेगा? सर ऊपर से. सर ऊपर से बनेगा. ठीक. तो आइस बन, यस बन गया आइस, एक लेयर आइस बन चुका है, एक लेयर आइस बन चुका है. अब भी हीट भाग रहा है, लेकिन अभी जो हीट भागेगा वो आइस के होते हुए, आइस के थ्रू से होते हुए जाएगा, ठीक है. तो पहला लेयर बनने के लिए, पहला 1 सेंटीमीटर बनने के लिए ज्यादा समय लगेगा कि दूसरा 1 सेंटीमीटर बनने के लिए ज्यादा समय लगेगा?
क्योंकि अभी इसका कुछ ऑपोजिशन आ गया है ना, आइस के अंदर से होते हुए जाएगा, हीट को आइस के अंदर से होते हुए जाएगा, उसको कुछ रेजिस्टेंस मिल जाएगा, पहले तो खुला था फटाफट चले जा रहा था, तो दूसरा सेंटीमीटर होने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, तीसरा सेंटीमीटर होने के लिए और ज्यादा समय लगेगा, और मान लो कि कुछ डिस्टेंस तक बनने के बाद आइस और नहीं बन पा रहा है, सो व्हाट इज द थिकनेस यू आर टू फाइंड आउट, व्हाट इज द थिकनेस, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ आइस जो बन पाएगा, उससे ज्यादा थिकनेस का आइस नहीं बन पाएगा। थोड़ा यहाँ पर पॉज लो, मैं बता, क्योंकि 5 मिनट था तो ये क्वेश्चन में आ गया मैं बताने के लिए, ये जेई का क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया था कि व्हेन ए पॉन्ड फ्रीजेस तो इट वाज फाउंड दैट द टोटल थिकनेस ऑफ द आइस इज डी, तो पहला डी बाई टू होने के लिए अगर टाइम टी वन लगा, पहला डी वन डी बाई टू लेयर फ्रीज करने के लिए टाइम टी वन लगा, दूसरा डी बाई टू को करने के लिए अगर टी टू लगा, बताओ टी वन में टी टू इज मोर देन वन लेस देन वन इक्वल टू वन, क्या कहो गया, अपर हाफ को फ्रीज करने के लिए टाइम लगा टी वन, लोअर हाफ को फ्रीज करने के लिए टाइम लगा टी टू, तो आप क्या कहोगे, अपर हाफ का टाइम लगा टी वन, लोअर हाफ का लगा टी टू, टी वन बाई टी टू इज लेस देन वन मोर देन वन इक्वल टू वन, क्या होगा, अपर हाफ जल्दी बन गया होगा, लोअर हाफ को समय लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, ये आया था जेई में, लेकिन मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कुछ दूसरा, मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ कितना मैक्सिमम थिकनेस का आइस बनेगा, अरे भाई आइस तो बनना चाहिए, फिर यहां तक बनने बाद आगे क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इतना आइस बनने के बाद ये जो वाटर है यहां से हीट बाहर जा रहा है और यहां से हीट अंदर आ रहा है, जितना जल्दी जल्दी हीट भाग रहा है बाहर उतनी जल्दी जल्दी हीट अगर अंदर आएगा तो फ्रीज कैसे करेगा, है कि नहीं, जितना हीट अंदर आ रहा है उतनी हीट बाहर जा रहा है तो फ्रीज कैसे करेगा, फ्रीज करने के लिए और ज्यादा हीट जाना चाहिए, शुरू शुरू में जल्दी जल्दी हीट निकल रहा था, धीरे धीरे हीट आ रहा था तो फ्रीज हो रहा था, ठंडा हो रहा था, अब जितना जल्दी जल्दी हीट जा रहा है बाहर, ठीक है, आप देखोगे आप केटल में चाय बैठा है चूल्हे पे, कुछ लोग घर में चाय भी बनाते हैं मम्मी को हेल्प करने के लिए, केटल में चाय बनाया बर्नर पे चाय बैठा, तो बर्नर को आप ग्लो करवा दिए, आप देखो कि ये उबलने लगा, धीरे 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 बढ़ने लगा है, ऐसे आएगा भी गिरने वाला है ना, आप क्या करते हो इसको इसको थोड़ा सीम कर देते हो, उसका बर्नर को थोड़ा फ्लेम को छोटा कर देते हो, उसके बाद क्या देख रहे हो, ये लेवल कांस्टेंट है, अरे अभी तो हीट जा रहा है बढ़ना चाहिए, नहीं, अब जिस रेट में हीट अंदर जा रहा है उसी रेट में हीट बाहर सराउंडिंग में जा रहा है, तो ये और ऊपर नहीं उठ रहा है, अभी अगर बर्नर बढ़ा देंगे हीट जल्दी जल्दी आने लगा, उतना जल्दी नहीं जा रहा है, बढ़ेगा, बर्नर को और धीमा कर देंगे जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा है, हीट धीरे धीरे आ रहा है, हो सकता है इसका टेम्परेचर गिरने लगेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या, सेम थिंग इज हैपनिंग, यहाँ पर हीट घुस रहा है अंदर और हीट निकल रहा है, हम इसको कहेंगे क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट, सो एट स्टेडी स्टेट मींस फाइनल, एट स्टेडी स्टेट लेट फाइनल थिकनेस ऑफ आइस इज डी, अच्छा रेट ऑफ हीट आउटफ्लो मींस थर्मल करेंट, ये रेट ऑफ हीट आउटफ्लो, तो हीट यहां से यहां पे जा रहा है, फॉर्मूला होता है के ए बाई एल, एल मतलब कितना दूर जा रहा है डी, इसके अंदर से जा रहा है थ्रू आइस इज इक्वल टू जीरो माइनस माइनस थीटा, क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर माइनस थीटा है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी के ए बाय डी इनटू थीटा, रेट ऑफ हीट आउटफ्लो, रेट ऑफ हीट इनफ्लो, अच्छा ये ए कहाँ है, दिया तो नहीं, पिन कहीं भी दिया नहीं कि बेस एरिया उसका ए, सपोज ए इज एरिया ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड का एरिया को हम ए ले लिए, ये एरिया ए है, ये थिकनेस डी है, के ए बाई डी इंटू थीटा, रेट ऑफ हीट इनफ्लो, ठीक है, रेट ऑफ हीट इनफ्लो इज इक्वल टू कितना होगा, दिया है क्यू जीरो वाट ऑफ हीट ओवर एवरी मीटर स्क्वायर एरिया, सो इट इज क्यू जीरो इंटू एरिया, रेट ऑफ हीट इनफ्लो, ध्यान रहे
amount of heat flowing per unit time, rate of heat outflow, amount of heat flowing per unit time, thermal current, ये भी thermal current, Q0 watt per meter square, तो ये हो गया Q0 into A, क्योंकि area इसका A है, area अगर A है, पूरा base में से हर जगह heat अंदर जा रहा है, कितना जा रहा है Q0 into A, so at steady state, now inflow, now आप क्या कहोगे K A theta by D is equal to Q0 into A, इसका मतलब क्या पूछा था, D पूछा था, D क्या हो गया, D क्या हो गया, एक A दूसरा A को खा गया और ये हो गया K theta by Q0. तो क्या है सराउंडिंग टेम्परेचर और किस रेट में हीट आ रहा है, ये दोनों मिलके डिसाइड कर लेंगे कितना थिकनेस का आइस बनेगा, थिकनेस ऑफ आइस इज डिसाइडेड हियर. लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, रेट ऑफ आउटफ्लो निकाल दिए, रेट ऑफ इनफ्लो निकाल दिए, स्टेडी स्टेट में जब और आइस नहीं बन रहा है तब जितना हीट आ रहा है उतना हीट जा रहा है, रेट ऑफ हीट इनफ्लो मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटफ्लो, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दिया. बहुत ज्यादा डिटेल्स में समझा के लिखने के लिए जगह नहीं है तो इसमें लिख नहीं रहा हूं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ इसमें, रेट ऑफ हीट इनफ्लो इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटफ्लो, कब, एट स्टेडी स्टेट, ये हो गया कॉन्सेप्ट, जिस रेट में हीट बाहर जा रहा है उस रेट में हीट अंदर जा रहा है, तो फिर टेम्परेचर जितना था वही रहेगा, टेम्परेचर जितना था वही रहेगा. क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? यस सर. यस सर. ओके सर. हाँ बोलिए सर. रेट ऑफ सर क्यू नॉट ए क्यों हुआ, क्यू नॉट ए क्यों हुआ, ये क्यू नॉट क्या है, देखो पहले व्हाट इज क्यू नॉट, दिया है एट ए रेट क्यू नॉट वाट पर यूनिट एरिया, क्यू नॉट वाट ऑफ हीट इज पावर इज सप्लाइड पर यूनिट एरिया, मतलब ए एरिया में क्यू जूल सब हीट जा रहा है पर सेकेंड, ए एरिया में, यूनिट एरिया में, वन मीटर स्क्वायर एरिया में क्यू नॉट अमाउंट ऑफ क्यू नॉट जूल सब हीट इज गोइंग पर सेकेंड, ए एरिया में कितना हुआ, क्यू नॉट इंटू ए. यस सर. यस ये ना क्यू नॉट वाट पर यूनिट एरिया यहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो टुमारो मॉर्निंग वी आर मीटिंग एट 9, सुबह 9 बजे हम लोगों का क्लास है, 9 से 11 बजे तक वी शल हैव थर्मोडायनेमिक्स क्लास विल स्टार्ट, और तब तक के लिए जय हिंद.